तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेडिटिव स्मार्ट स्केल। आपने नॉर्मल वेट मशीन्स तो देखी होंगी, पर आज जो है आप स्मार्ट वेट मशीन देखने वाले हैं। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर आपको इसको ऑर्डर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसको अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक दो दिन के अंदर आपके घर में आ जाएगी। तो इसका बॉक्स आपको देखने को मिलता है, ऐसा इसका बॉक्स है, तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वारंटी वगैरह का बताया गया है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा साइड पर रखते हैं, तो मेन चीज़ हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर है। तो यहाँ पर हमें वेट मशीन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक रैप के अंदर इसको लगाया गया है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो इसका जो लुक है वो पूरा ग्लास का है, और बैक से इसके अंदर जो है ये चार लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पर आपको एक टिप मिलती है, इसको आपको निकाल देना है। जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर लाइट आ गई है, इसकी स्क्रीन के अंदर, मतलब ये चालू है। इसके अंदर जो है बैटरीज डलती हैं, जो ट्रिपल ए जो बैटरी आती है वो इसके अंदर लग जाती है, जो हमारे रिमोट्स के अंदर लगती है, इधर के अंदर वही बैटरी है। और ये साथ में बैक साइड पे दिए गए हैं, यहाँ पर आप जो है इसको स्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर एक स्टिकर लगाया गया है जिसके ऊपर आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। इसको मैंने क्यों ख़रीदा, इसके सबसे बड़ा कारण ये था कि एक दिन ना मैं वेट करने गया हमारे घर के पास, ना एक ना हॉस्पिटल है जहाँ पर एक वेट मशीन पड़ी होती थी। तो मैंने सोचा कि यार चल वेट करने जाते हैं। तकरीबन मेरे को ना 15 से 17 दिन हो गए थे, तो मैं एक्सरसाइज वगैरह अच्छी कर रहा था और मैं जानना चाहता था कि मेरा वेट ना पहले से कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि यार वेट मशीन तो नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार वेट मशीन सर कहाँ पर पड़ी है, मैंने वेट करना है। तो उन्होंने बोला कि यार वेट मशीन ना ख़राब हो गई है, तो इसकी वजह से ना हमारे यहाँ अभी वेट मशीन नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं घर में आ गया, तो मैंने सोचा यार हमारे घर में भी एक वेट मशीन होनी चाहिए, जिससे क्या है हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा वेट कितना चल रहा है, हम कितना खा रहे हैं या कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन परचेज़ क्यों ना कर लिया जाए। तो मैंने ना ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया कि कौन सी वेट मशीन कितने की है। तो मैंने देखा वहाँ पर भी ना 700-800 रुपये की ठीक ठाक मशीन जो है वो मिल रही थी। तो उसके बाद ना मैंने सर्च करते करते मेरे को ये चीज़ पता लगी कि स्मार्ट मशीन्स भी आती हैं, जिसमें आपने अपने बॉडी का BMI, बॉडी का वेट हो गया, और एप्लीकेशन के अंदर इसको स्टोर कर सकते हो। क्योंकि एप्लीकेशन में ना आपको याद रहता है कि आपका ना जो वेट था वो कितना है और कितना बढ़ रहा है पहले से, और इसके अंदर आपका बॉडी फैट कितना है, बॉडी में वाटर कितना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें पता लगती हैं जो हमें पहले पता नहीं होती। तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेज कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसके फंक्शनैलिटी क्या है, इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने आईफोन में या फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके अंदर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगर एप्पल का फ़ोन है तो यहाँ पर आप ऐप स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है फिट डेज। तो ये वाली एप्लीकेशन जो है ना आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेनी है, फिर इससे जो है ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो ये देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, और इसके लिए आपको जो है कनेक्शन में क्या करना पड़ेगा, अपने ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ब्लूटूथ वगैरह ऑन नहीं है तो ये एप्लीकेशन जो है ये काम नहीं करेगी। तो ये आसानी से जो है ये कनेक्ट हो जाती है। तो चलिए मैं अपना वेट करके देखता हूँ कितना इसके अंदर वेट आता है। और जहाँ पर आपको अपने बॉडी का वेट करना है, सबसे पहले एक स्टेबल जगह पर इसको आपको रख लेना है। इसके अंदर आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो है इसे हिलता ना हो। ये देखिए अभी हिल रहा है, मतलब क्या है कि यहाँ पर एरिया जो है नीचे वो बिल्कुल स्पॉट नहीं है। तो आपको कहीं और इसको रख के देखना है जहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ओके हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। इट मीन्स क्या है कि इसकी जो है नीचे जो है बेस जो है बिल्कुल अच्छी तरह सपाट है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। और यहाँ पर आपको ना कुछ सेंसर देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए ये सेंसर्स हैं दोनों, और ये भी सेंसर है। इसके अंदर ना 16 सेंसर्स हैं, जो कि बॉडी के अंदर जो फैट वगैरह जो है और BMI आपका जो है यही सेंसर से करते हैं। और आपको इसके ऊपर ना अपने जूतों के साथ या फिर सॉक्स के साथ नहीं खड़े होना है, इसके ऊपर आपको नंगे पैर खड़े होना है, ताकि जो ये सेंसर जो हैं काम कर सकें। तो अब हम अपना बॉडी का वेट नाप के देखते हैं कि कितना वेट आता है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने ओपन कर लिया और मैंने अपना यूज़र भी बना लिया है। तो मेरे को यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर खड़े होना है, इसके ऊपर पैर ऐसे रखना है और दूसरे पे भी ऐसे पैर रखना है, इन सेंसर्स के ऊपर रखना है। तो चलिए हम करते हैं, ये देखिए
मैंने यहाँ पर टच किया और जो नीचे जो है वेट होने लग गया है, ये वेट आ रहा है। और इधर भी देखिए, इस ऐप के अंदर भी जो है अब वेट आना स्टार्ट हो गया है। और वो 3 बार ब्लिंक करता है, और ब्लिंक होने के बाद भी आपको 5-7 सेकंड इसके ऊपर खड़े रहना है। इसके बाद जो है आपको पूरी डिटेल मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल आ गई है कि कितना वेट है। पूरा 60.2 वेट इसके अंदर आ रहा है, और इसके अंदर डिटेल भी आ रही है कि मेरा वेट कितना है। इसके नीचे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड दिखाया गया है, कितना स्टैंडर्ड है, कितना हाई है, कितना टू हाई है। और यहाँ पर BMI भी यहाँ पर आ गया है, कितना होना चाहिए ऑटोमेटिक इसके अंदर आ गया है। बॉडी फैट आ चुका है, कितना है बॉडी के अंदर। तो अगर आपका बॉडी फैट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा जाएगा, रेड बन के आ जाएगा। और यहाँ पर मसल रेट आ रहा है, फ्री फैट बॉडी वेट आ रहा है, और ये वेसल फैट हो गया, बॉडी वाटर हो गया, बॉडी के अंदर वाटर कितना है, स्केलेटन मसल कितना है। तो ये सारे मेजरमेंट जो हैं आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं कि पहले कितना था, अब कितना है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। यहाँ पर आपको चार्ट बने हुए मिल जाएंगे। तो ये बॉडी फैट जितने भी इसके अंदर मतलब के ऑप्शंस हैं, सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, चाहते हो कि अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो या अपने आप को भी शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ से ऑप्शन भी मिलता है शेयर करने का। तो यहाँ पर आपको देखने को ऑप्शन मिल रहा है कि शेयर का, आप यहाँ से क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप शेयर करेंगे यहाँ पर जो है सारा कुछ लिखा जाएगा, क्या क्या चीज़ जो है आपकी एक्सेलेंट है, कहाँ पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है शेयर का, तो यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको और किसी को भी ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ऐड यूज़र की, ऐड कर सकते हैं जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, मेल है क्या फीमेल है। उनका फर्स्ट नेम भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, इसके बाद हाइट उनकी जो है आप CM के अंदर निकाल सकते हैं। गूगल पे जाइए, वहाँ पर तकरीबन लोगों को ये पता होता है कि मेरी 5'6" है, 5'7" है, तो गूगल पे जाके लिख दीजिए 5.4 × CM, मतलब 5.4 feet × CM, तो यहाँ पर आपको CM मिल जाएंगे। तो यहाँ टारगेटेड वेट है, कितना आपको वेट जो है अपना टारगेट अचीव करना है, वो आप इसके अंदर डाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं, करते हैं मान लो यहाँ पर नाम डाल देते हैं हम रोहित, ठीक है रोहित डाल देते हैं। इसके बाद जो है बर्थडे डाल देते हैं, मान लो सपोज यही डाल देते हैं, बर्थडे हो गया। CM जो डाल देते हैं उनका, हाइट जो है इतना नाप देते हैं। तो टारगेटेड वेट जो है वो क्या क्या करना चाहते हैं, कितना वेट करना चाहते हैं, मान लो वो जो है अपना टारगेटेड वेट 75 करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कन्फर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये यूज़र जो है फिल हो गया। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपको अपना ब्लूटूथ जो है ऑन करना है, तो जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है नया यूज़र बन के आ गया है। तो फिर हम दोबारा करके देखते हैं, यहाँ पर पैर रखेंगे तो यहाँ पर दोबारा वेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर जो है मैंने हाइट वगैरह जो है वो ऐसी सिलेक्ट कर ली थी, तो यहाँ पर देखिए ये जो है बॉडी फैट वगैरह ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि ये ना सारा कुछ कैलकुलेशन जो है ना बॉडी के वेट से, हाइट से, ये सारा कैलकुलेशन होता है। तो ये चीज़ जो है आपको जो है ध्यान रखनी है कि एग्जैक्ट जो है आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है। अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा बेबी है और उसका आप वेट नापना चाहते हो तो उसको भी आप इसके अंदर नाप सकते हो। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर प्लस का साइन दिखेगा, और यहाँ पर ऑप्शन मिल रही है आपको बेबी मोड की, तो बेबी मोड को आपको क्लिक करना है। बेबी मोड को क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको पहले जो है अपना वेट जो है एक बार नाप लेना है। देखिए ये जो मेरा वेट हो गया, तो इसके होने के बाद क्या है कि फिर आपको जो है बेबी को उठा लेना है। यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, देखो ना, बेबी को अपने गोदी में लेकर फिर आपको वेट जो है अपना कर लेना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो वेट है और बेबी का वेट है उन दोनों के वेट में से माइनस होके जो है आपको बेबी का वेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बेबी का वेट भी नाप सकते हैं। और इसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलती है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको वार्निंग्स बताई गई हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना है, और यहाँ पर स्पेसिफ़िकेशन लिखी गई हैं कि इसकी जो स्पेसिफ़िकेशन क्या है, इसको आपको कैसे यूज़ करना है। आपको एक बार इसको रीड ज़रूर कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रीड नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमको ऐसे ही चलाना आ जाएगा। तो आपको जो है एक बार इसको रीड कर लेना है प्रॉपर, ताकि जो है आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए।
और इस स्केल के पीछे जो है लिखा भी गया है, स्टिकर लगाया गया बड़ा सारा। अगर आपको इसका डेमो जो है लेना है तो आपको इस नंबर पे जो है वो मैसेज करना होगा, तो आपको जो है डेमो वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक साल की आपको वारंटी मिलती है, यहाँ पर लिखा गया है 7 डेज़ के अंदर जो है यहाँ पर जाकर आपको साइन इन वगैरह कर लेना है वहाँ पर। आते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं दोस्तों। देखो लाइक करने से जो है ना मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता रहूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।